हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಕೋ ಆತಿ ಹೈ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಶಿಶು ವಾಟಿಕ, ಪಿಛಲಿ ಬಾರ್ ಕಬ್ ಆಯಾ ಥಾ, ಏಕ್ ಸಾಲ್ ಹೋ ಗಯಾ, ಏಕ್ ಸಾಲ್, ಒಂದು ವರ್ಷ, ದೋ ಸಾಲ್ ಹೋ ಗಯಾ। तो बाल गोपाल शिशु वाटिका में आने का मुझे सुअवसर दोबारा मिला है और आप सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। शिशु वाटिका, वाटिका, वाटिका अर्थात क्या है? एक उद्यान, बगीचा, गार्डन। तो गार्डन या बगीचे में हम क्या करते हैं? हम क्या लोहा सीमेंट बेचते हैं? फिर हम क्या करते हैं? बगीचे में बीज डालते हैं, पौधे उगाते हैं, सुंदर फूल पौधे उगते हैं और फिर वो वाटिका में भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे आते हैं, फूल फल, और बहुत ही एक रमणीय वातावरण हो जाता है। तो उसी तरह से मनुष्य समाज में भी बचपन से ही लोगों को या बच्चों को अच्छे संस्कार देना ये बहुत ही आवश्यक है। यदि हम हमारे समाज को एक वाटिका, एक अच्छे उद्यान या बगीचे की तरह बनाना चाहते हैं तो यदि हमने सही बीज नहीं बोए तो सब जगह कांटे कांटे वाले सारे पौधे और पेड़ उत्पन्न होंगे। तो सब जगह कांटे काट कांटों वाले जब पेड़ उपलब्ध होंगे तो फिर वहाँ कुछ दिखने में सौंदर्य नहीं है, ना वो कोई लाभदायक पेड़ पौधे हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारे बच्चों को हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे, नहीं देते हैं, तो हमारा समाज
ऐसे बन जाता है मानो कि एक रेगिस्तान हो और बीच बीच में रेगिस्तान में कांटों के पौधे मिल जाते हैं। आप सब समझ रहे हैं हम जो बोल रहे हैं कि बहुत, और सरल करके बोले हिंदी में, इतना ठीक है? आप में से कितने भक्त रेगिस्तान में गए हैं, मरुभूमि में, रेगिस्तान? कितने भक्त गए, चित्र देखे हैं रेगिस्तान में? किस तरह के पेड़ होते हैं, कांटे वाले पेड़, कैक्टस, और एक उद्यान में गए हैं, वहां कितने सुंदर फूल फल सब में दिखाई पड़ते हैं। तो जिस समाज में बच्चों को अच्छे संस्कार देने का महत्व नहीं समझा जाता है, तो ऐसे समाज एक कांटों से पूर्ण एक रेगिस्तान के समान हो जाएगा, जिसमें लोगों के बीच में झगड़े और गलत फहमियाँ, और लोग बहुत दुखी रहते हैं, किसी कोई सुखी नहीं है, तरह तरह के समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। इतना सब धन होने के बाद भी कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं दिए गए हैं। आजकल यदि हम किसी से बात करें, माता पिता, आप सब माता पिता है, आप में से कोई है ना, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप आगे बताइए आपकी क्या इच्छा है कि आपके बच्चे बड़े होकर कैसे बने, क्या बने? आप में से कोई बताएंगे? आप में से कोई भी जो आते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे कैसे बने, क्या होए, क्या अभिलाषा है आपकी, आपके बच्चों के बारे में आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे कैसे बने? अच्छे संस्कारी बने। अच्छे संस्कारी बने। आप एक में से, 50 में से एक है आप। बाहर सब जगह समाज में जाइए, क्या बोलेंगे? आप पहचानते होंगे ना बहुत सारे अन्य, वो क्या चाहते हैं उनके बच्चे कैसे हो जाए? वो चाहते हैं बहुत धनवान हो जाए, बहुत धनी हो जाए, अमेरिका जाए, दो चार गाड़ियां हो, फिर हम सबको बोल सकते हैं देखो मेरा बच्चा अमेरिका है, अमेरिका में गया है, मेरे बच्चे के पास दो गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, और हम सोचते हैं कि यही जीवन की सफलता है। आई तो हव दो। ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मेरा बच्चा धनवान बने, और उसे ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि वो आगे चल के खूब धन कमा सके। परंतु कोई ऐसे नहीं सोचता है कि बच्चे को गुणवान कैसे बनाएं। सब लोग चाहते हैं बच्चे धनवान हो जाएं, परंतु गुणवान हो जाएं कोई नहीं सोचता है। एक कहावत है, बबूल का बीज बोए तो आम कहाँ से होए। बबूल जानते हैं आप? कन्नड़ में बबूल को बोलते हैं, जाली जानते हैं? बबूल, बबूल या जाली के लक्षण क्या होते हैं? खाने के लिए कैसे होता है? कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। और जब पका हुआ आम है वो कैसे होता है खाने के लिए? बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है। यदि हमने बबूल का बीज बो दिया है और हम अपेक्षा करते हैं
कि यहाँ पे ऐसे फल आ जाएं जो आम की तरह मीठे हों, क्या ऐसे संभव है? संभव नहीं है। यदि हमें आम और आम की तरह मीठे फल खाने हैं तो हमें उसी प्रकार के बीज बोने चाहिए। हमने बबूल के बीज बो लिए और हमें चाहिए कि हमें आम जैसे मीठे फल मिले, तो ये संभव नहीं है। हमें केवल रेगिस्तान और कांटे भरे जो है पौधे सब मिल जाएंगे। तो सही बीज देना, ये बीज क्या है? भक्ति लता बीज, जिससे बच्चे के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सके, ऐसे बीजों के संस्कार हमें देने चाहिए। ये संस्कार शब्द क्या है? आपने कहा ना कि आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, तो संस्कार क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ क्या है, आप कोई बताएंगे? संस्कार क्या है ये शब्द? आप सब ने, कितने भक्तों ने सुना है ये शब्द संस्कार? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्तों ने सुना है ये शब्द संस्कार? सुना है ना? तो इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका, आप में से कोई बताइए। हेली बोलते हैं ना, हेली 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 बोलिए। सम्यक करोति इति संस्कार है, बहुत अच्छा। तो सम्यक करोति अर्थात, तो क्या अर्थ है इसका? कोई भी कार्य सम्यक अर्थात परिपूर्ण, परफेक्ट। कोई भी कार्य को परिपूर्णता, परफेक्ट करना है तो उसे संस्कार कहते हैं। तो जब बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वो बिल्कुल परिपूर्ण कार्य करने के लिए संपन्न, समर्थ हो जाएं, सक्षम हो जाएं, तो हम कहते हैं हम उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन बुरे संस्कार भी हो सकते हैं, इस दृष्टि से कि जब हम जैसे गीले मिट्टी में पांव रखते हैं तो क्या होता है, क्या दिखाई पड़ता है उधर? गीले मिट्टी में पांव रखने से छाप पड़ जाता है, हमारे पैरों के चिन्ह वहां पे पड़ जाते हैं। परंतु यदि वो मिट्टी गीली नहीं है, सूख गई है फिर, और आप मिट्टी के ऊपर चलते हैं, तो क्या उस प्रकार का छाप लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब हमारी आयु बढ़ जाती है तो वैसे वैसे मिट्टी क्या होता है, मैं गीलापन कम होने लगता है। जब हम छोटे होते हैं, हमारी आयु बहुत छोटी होती है, बचपन में हमारी मिट्टी गीली होती है, अर्थात हमारी चेतना में हम अच्छे संस्कार पा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है अहंकार भी बढ़ता है, संसार का अनुभव बढ़ता है, संस्कार का प्रदूषण हमारे चित्त में आ जाता है, उस समय फिर और हमारे स्वभाव और चरित्र को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बचपन में हम जो भी बच्चों को सिखाएंगे, चाहे वो अच्छी चीजें हों बुरी चीजें हों, वो उनके चरित्र बनाएंगे, वैसे ही बच्चे बनेंगे आगे चल के। तो कोई भी नहीं चाहता है कि उनके बच्चे बुरे हो जाएं। जैसे एक चोर के नगर में ऐसे कई समाज होते हैं जहां पे मुख्य पेशा चोरी का होता है, ऐसे कई स्थान हैं भारत में भी और अन्य देशों में भी, कोई समाज होते हैं जहां लोग सारे के सारे, उस छोटे से समाज में सारे के सारे चोर होते, उनका पेशा ही चोरी का होता है।
बचपन से जैसे वो बड़े होते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मेरे साथ आओ देखो मैं कैसे चोरी करता हूं, कैसे जेब काटता हूं। तो बचपन से ही बच्चों को ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण मिल जाता है, आगे चल के उनकी उंगलियां इतनी अच्छी हो जाती है कि जेब से निकाल सकते, किसी को पता नहीं चलता है। तो इस तरह से ये लोग बच्चों को चोरी के संस्कार दे रहे हैं, परंतु फिर भी वो चाहते हैं कि अच्छे संस्कारों की हमारी चोरी ना करे, हमारे घर में अपनी चोरी नहीं करे, एक दूसरे की चोरी नहीं करे। आपस में उनके संस्कार होते हैं कैसे कि हम अन्यों की चोरी करें, आपस में हम एक दूसरे की चोरी नहीं करेंगे। और माता पिता के साथ बच्चों का अच्छा व्यवहार होना चाहिए, वो इतना चाहते हैं। बच्चों को चोरी करना सिखाएंगे लेकिन माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, चोरों के समाज में भी वो चाहते हैं कि बच्चों को संस्कार अच्छे मिले। ये सभी लोग चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा आगे चल के ना दुष्ट बने कि हमको ही घर से बाहर निकाल दे, ऐसे कोई नहीं चाहता है। तो चाहे हम जाने या न जाने कोई आध्यात्मिक विषयों को, लेकिन अच्छे संस्कारों का होना ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो समाज क्या हो जाएगा। आप विचार कीजिए, आजकल हम बाहर यही देख रहे हैं, संस्कार क्योंकि गलत पड़ रहे हैं, बाहर चल के बड़े होकर सब असुर होते जा रहे हैं। हमें दिखता है बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो दिखाई पड़ता है कितने मीठे हैं, हम जाके गाल को ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं होने के कारण ये छोटा छोटा राक्षस है अभी, केवल बच्चा है इसलिए बहुत मीठा लगता है, परंतु आगे चल के जितना दुष्ट होगा वो दुष्टपन छुपा हुआ है उसके अभी कम आयु में, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब हिटलर की तस्वीर आपने बचपन में देखी होती तो आप सोचते होते कितना मीठा लड़का बच्चा है ना। ऐसे दुष्ट जितने भी लोग हुए हैं बचपन में, आपने चित्र देखे होंगे तो आपको कभी नहीं लगा होगा कि आगे चल के इतना दुष्ट बनेगा, ये राक्षस बनेगा। बचपन से बाह्य दिखावे से हमें पता नहीं चलता है किस प्रकार के संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, उससे हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि आगे चल के ये लड़का या लड़की कैसे होंगे और आगे चल के ये समाज कैसे बनेगा। और आधुनिक काल में हम देख रहे हैं जो समस्याएं चल रही हैं, क्यों? संस्कारहीन बच्चों को हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो जैसे गीली मिट्टी में हमारा चिन्ह पड़ जाता है उनके चित्त पर, और वो चिन्ह रह जाता है, आजीवन रह जाता है, केवल आजीवन नहीं जन्म जन्मांतर तक वो रह जाता है। इसलिए जब हम संस्कारों की बात करते हैं, केवल इस जन्म की संस्कार की बात नहीं करते हैं, अनेक जन्मों संस्कार की बात करते हैं। आज हमारा स्वभाव है जो भी है, आज हमारा चरित्र जो भी है, अच्छा हो बुरा हो मिश्रित हो, वो सब अनेक जन्मों के संस्कारों का फल है। आज हम इस प्रकार से क्यों हैं? क्योंकि हमारे पुराने संस्कार, जन्मों के संस्कार ऐसे हैं। एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं। हम जब एक बार बंबई में गए थे तो एक महिला भक्त हमसे मिली थी, और वो और उनकी पति मुझसे मिलने आए थे कोई सलाह लेने के लिए, उनके छोटे से बच्चे के बारे में जो 8 साल के हैं। तो मैंने सोचा शायद वो बात कर रहे हैं, चाह रहे होंगे कि बच्चा कितना दुष्टीपन करता है, वो कुछ बात मानता नहीं है, मस्ती करता है, पढ़ाई नहीं करता है, ऐसे सब शिकायत लेके आएंगे शायद, क्योंकि ज़्यादातर माता पिता जब बच्चे के बारे में बात करने आते हैं तो यही चिंता लेकर आते हैं कि बच्चा ऐसे है वैसे है। तो मैंने भी ऐसे अपेक्षा की थी कि ये ऐसे ही कर रहे होंगे, ऐसे ही कोई शिकायत लेके आए होंगे।
परंतु वो महिला ने कहने लगी, हम आपके पास हमारे बच्चे के बारे में कोई शिकायत कंप्लेंट करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे मन में फिर भी एक चिंता है बच्चे के बारे में। तो मैंने पूछा, अरे कोई कंप्लेंट नहीं, शिकायत नहीं है, तो फिर चिंता किस बात की है? तो उन्होंने कहा, हमारा बच्चा इतना अच्छा भक्त है कि हमें ये डर है कि हम कहीं उसके लिए बाधक न हो जाएं, हम उसके जीवन में अड़चन न बन जाएं, हम उसकी भक्ति खराब न करें, ये बच्चा अद्भुत है। फिर वो बताने लगे कि बच्चा किस प्रकार से अद्भुत है, वो सब कुछ जानता है भक्ति में। जब कोई प्रवचन आदि होते हैं, शिविर आदि होते हैं मंदिर में, सारे बड़े भक्त भी आते हैं उधर, बड़े लोग आते हैं, और जब जो प्रवचनकर्ता, जो वक्ता होते हैं, जब वो कोई प्रश्न पूछते हैं, भले बड़े लोग उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन ये बच्चा उत्तर दे पाता है बिल्कुल सही तरह से, भगवान के सारी लीलाओं को जानता है। कृष्ण पुस्तक में जितने भी लीलाएं भगवान की हैं, वो सारे की सारी लीलाओं को जानता है, इतने सारे सैकड़ों श्लोक जानता है। और शिखा है उसकी लंबी अच्छी सी, तिलक धारण करके जाता है। बाकी बच्चे जो होते हैं वो शर्माते हैं, हम कैसे तिलक लेके जाएंगे, शिखा चोटी कैसे हम रखेंगे, बच्चे हमें चिढ़ाएंगे, हमें छेड़खानी करेंगे, है ना, तो कैसे हम ये रख सकते हैं। परंतु ये बच्चा बिल्कुल निडर है, किसी की परवाह नहीं करता है, कोई उनको चिढ़ाएंगे, मस्ती करेंगे, उसके साथ शिका खींचेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल अटल है कि मुझे ऐसे ही रहना है, बाकी बच्चे जो भी कुछ करें। कहते ये बच्चा जाकर अपने पाठशाला में अपने अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को डांटता है। जब कभी इस पाठशाला में कोई उत्सव हुआ, कोई अनुष्ठान हुआ, उसमें सिनेमा के गाने बजाए गए थे, तो बच्चे ने जाकर प्राध्यापक को और अध्यापकों को डांटा, ऐसे संस्कार आप दे रहे हैं बच्चों को, इस तरह के सिनेमा के संस्कार आप बच्चों को दे रहे हैं। और उन्होंने प्रवचन दे दिया, 5-10 मिनट का प्रवचन, और अध्यापक और प्राध्यापक आदि सब सब देखते रह गए, सुनते रह गए, ये बच्चा बड़ा अद्भुत है और इतना बुद्धिमान है, सब कुछ भगवद गीता दर्शन अच्छी तरह से जानता है, छोटे छोटे प्रवचन भी दे देता है। तो वो बोलने लगी, ये बच्चा कौन है हमको नहीं मालूम, हमारा बच्चा है परंतु ये इतना अद्भुत है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कारण इसकी भक्ति में कोई बाधा बन जाए, तो हम आपसे मिलने इसलिए आए हैं कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे इसका देखभाल करें ताकि ये भक्ति में अच्छी तरह से आगे बढ़े और हम कोई बाधा नहीं रखें इसके जीवन में, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे को कोई बच्चे भक्ति के प्रगति में अड़चन न हो जाए, ये हम आपसे पूछने आए हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे माता पिता से कभी मैं मिला नहीं था पहले। जब भी माता पिता मिलने आते हैं तो बच्चे को बताइए पढ़ाई करने के लिए, वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, हमारी बात सुनता नहीं है, ऐसे सारे चीज़ें माता पिता बोलने के लिए आते हैं, बहुत मस्ती करता है। परंतु ऐसे माता पिता हमने कभी देखा नहीं था। तो फिर हमने कहा, हम पहले उत्तर देने के पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कि ऐसे ये बच्चा बना कैसे, आप बताइए, आपने बच्चे को 8 साल से देखा है, ये बच्चा बना कैसे ऐसे इस तरह से। फिर वो जो महिला थी उन्होंने बताया कि मैं वकील हूँ और मेरे पिता भी वकालत करते हैं, बहुत बड़े वकील हैं, बचपन से मुझे वकालत में रुचि थी, मैं भी बनी, परंतु हम एक पुष्टि मार्गी कृष्ण भक्त संप्रदाय से हूँ, गुजराती परिवार के थे, पुष्टि मार्गी अर्थात आप जानते हैं वल्लभ संप्रदाय के,
तो बचपन से घर में हम बाल गोपाल की पूजा करते हैं। ये भी बाल गोपाल शिशु वाटिका है, तो बाल गोपाल की हम सेवा करते हैं बचपन से। तो जब मैं गर्भवती हुई तो मैंने निश्चय किया कि मुझे मेरे बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं। तो मैंने उस समय मेरी वकालत के कार्य को छोड़ दिया, बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, जो मेरे पेट में जो बच्चा है उसको अच्छा अच्छे संस्कार मुझे देने हैं, और मैं बाहर जाऊंगी वकालत करूंगी तो बच्चे को ध्यान नहीं पाऊंगी और बच्चे को संस्कार किस प्रकार के से दूंगी। तो मैंने वकालत बंद कर दिया उस समय, और मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि बाहर जाने से सब जगह आवाज, ये दृश्य बहुत कुछ सुनने को आता है, सिनेमा के पोस्टर दिखाई पड़ते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कितना बुरा वातावरण बाहर है, और बड़े शहरों में तो और भी ज़्यादा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब का कोई दुकान है, कुछ क्या है क्या है। तो मैं भी जब जाऊंगी बाहर, ये सब देखूंगी, ये सब सुनूंगी, ये सब सूंघूंगी, कोई सिगरेट का धुआं जा रहा है, तो ये सब संस्कार मेरे बच्चे में जाएंगे अंदर। तो इसलिए मैंने सोचा बाहर नहीं जाना ही अच्छा है, और मैं दिन भर घर में रह के विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती थी, मेरी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और घंटों तक श्रीमद् भागवतम को पढ़ती थी। उस समय वो कहने लगी, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़ी नहीं थी, परंतु परिवार में भक्ति के संस्कार थे, इसलिए मैं ऐसे कर पाई, क्योंकि मैंने भी मेरे बचपन में ऐसे संस्कार पाए थे, इसलिए मैं मेरे बच्चों को ये संस्कार मैं दे पाई। तो इस प्रकार से 9 महीने इसी प्रकार से बीते, मेरा पूरा ध्यान केवल इस पे दिया कि कैसे मैं पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित रहूं, भक्ति में मग्न रहे मेरा चित्त, ताकि मेरे बच्चे के अंदर ये संस्कार पड़ जाएं। क्योंकि जो माता की चेतना होगी वो चेतना बच्चे की भी होगी। तो मैंने ऐसे किया और इसलिए ये बच्चा ऐसे निकला। और क्योंकि मैं ये माँ हूं और सभी लोग आके मेरे बच्चे की प्रशंसा करते हैं कि कितना अद्भुत भक्त है, कितना बुद्धिमान है, हर एक व्यक्ति आके उसकी प्रशंसा करता है, तो हमें डर लग रहा है कि ये सब उसके सर तक नहीं जाए, इसके अंदर घमंड नहीं आ जाए कि मैं कितना विशेष हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना आगे बढ़ा हूं। तो सबसे बड़ा डर हमारा ये नहीं है कि बच्चा पैसे कमाएगा कितना, क्या करेगा, कौन से कॉलेज में जाएगा, ये सब हमारी चिंता नहीं है, जो होगा उसके भाग्य में जो है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, जो उसको सीखना है वो सीख रहा है। परंतु हमारे सबसे बड़ा डर ये है कि इसके अंदर घमंड नहीं आ जाए, क्योंकि सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसलिए कभी कभी हम उसको डांट के रखते हैं कि तुम्हें इतने श्लोक पता हैं, सब कुछ पता है, तुम ये नहीं सोचना कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुमको विनम्र भाव से रहना चाहिए। तो इस प्रकार से उसने बताया कि कैसे उसका बच्चा ऐसे हुआ था, और वास्तव में ये बहुत हमारे लिए अनुसरणीय विषय है, बहुत सुनने योग्य विषय है, और हमारे जीवन में लाने योग्य विषय है। यदि हमने बुरे संस्कार दिए हमारे बच्चों को, जन्म जब बच्चा पेट में होता है तब भी और आगे चल के भी, तो हमारे बच्चों का भी स्वभाव वैसे होगा, बच्चों का चरित्र भी वैसे होगा। आपने पाठशाला में इतिहास पढ़ा होगा ना, उत्तर भारत के इतिहास में एक राजा थे, उनका नाम था महाराज रंजीत सिंह, सिख राजा थे, बहुत ही राज ऋषि के समान थे वो, आध्यात्मिक जीवन में भी वो बहुत
रुचि रखते थे, बहुत ही मूल्यों का जीवन था उनका, बहुत ही ऊंचे विचारों के व्यक्ति थे और एक क्षत्रिय भाव से भी धर्म की रक्षा करते थे। तो एक बार हुआ ये कि उनके जो जासूस थे, जो सब जगह जाते थे राज्य में और खबर देते थे कि प्रजा कैसी है, राज्य की दशा क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको खबर मिलती थी। तो एक बार एक जासूस आया और जासूस ने खबर दी कि आज हमने बहुत अद्भुत बात सुनी। मतलब क्या बात सुनी और क्या देखा तुमने? कहा कि एक गाय थी, वो गाय के सींग जो हैं वो अटक गए थे। कैसे अटक गए थे? कि कोई एक जो खंभे थे, दो खंभे, उसके बीच में वो अटक गई। जिससे गाय उसके अंदर से जाना चाहती थी और लोहे के कोई ऐसे खंभे थे उसके बीच में वो अटक गई और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो फिर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, सारे लोगों ने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया कि इस गाय को मुक्त कैसे करें। तो सारे लोग प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से गाय को ऐसे खींच के, ऐसे धक्का मार के, ऐसे करके वैसे करके गाय को मुक्त किया जाए वहां से। परंतु जितना भी वो प्रयास करे वो गाय मुक्त नहीं हो रही थी। वो उसके सींग जो इतने लंबे थे तो बंके हुए थे, वो वैसे के वैसे वो अटके रह गई। तो फिर भी सभी लोगों ने प्रस्ताव अलग अलग रखे। किसी ने कहा चलो खंबा ही काट दो, और एक व्यक्ति ने कहा कि इसके सींग काट दो, और उसे वर्णन करते गया। फिर राजा रंजीत सिंह ने कहा रुको रुको रुको, क्या कहा? एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि गाय के सींग काटने चाहिए। कौन था वो व्यक्ति? जाके ढूंढो उसको। महाराज रंजीत सिंह गायों के भी प्रेमी थे। वैदिक सभ्यता में गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, आप जानते हैं ना, गाय माता है हमारी, तो गो माता कहते हैं हम। तो गो माता की रक्षा करना ये वैदिक धर्म का बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। तो महाराज रंजीत सिंह गो प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को ले आओ मेरे पास जिसने कि ऐसे कहा कि गाय के सींग ही काट डालो। तो फिर वो जाके उन्होंने ढूंढ निकाला कि वो कौन व्यक्ति था। तो थोड़े समय के बाद उस व्यक्ति को राजा के सामने लाया गया और राजा ने पूछा तुम कौन से धर्म के हो? सर मैं हिंदू धर्म का हूँ, मुझे नहीं लगता। क्यों, मैं तो हूँ ऐसे ही हूँ। नहीं नहीं बताओ कि तुम्हारी माँ को बुलाओ मेरे पास। तो उसने उस व्यक्ति से और प्रश्न नहीं पूछे, माँ को बुलाया। माँ घबरा के आ गई, राजा बुला रहे क्या बात है। फिर माँ को राजा ने पूछा कि आपने जब जन्म दिया बच्चे को आप कहाँ थी, आपने क्या किया? जब बच्चा पेट में था तो आपने क्या किया? तो सारे विस्तार में राजा ने पूछताछ किया और पता चला। फिर वो महिला ने बताया कि जब मैं मेरे बच्चे को जन्म दे रही थी, वो बच्चा जो भी बड़ा हो गया और जिसने ऐसे सुझाव दिया कि गाय के सींग काटने चाहिए, जब इसको मैं जन्म दे रही थी तो उस समय मेरी आंखें खिड़की के बाहर गईं और खिड़की के बाहर जो पड़ोस में एक व्यक्ति था वो कसाई था। उसका पेशा क्या था? पशुओं की हत्या करना। और उसको मैंने देखा और उसको देख के मेरे मन में तुरंत विचार आया कि अरे ये तो काटता है जानवरों को। तो ये विचार जैसे आया मैंने मेरे बच्चे को जन्म दिया। फिर राजा रंजीत सिंह ने कहा हाँ ये कारण है कि तुम्हारे बच्चा अभी बड़ा हो गया, बड़े होके इसके मन में ये विचार आया। कहाँ से आया? ये जड़ है, ये बीज है उसकी, ये बीज तुमने बोया क्योंकि जन्म देते समय तुम्हारा ध्यान वहां गया और इसलिए
लीजिए, बच्चे के मन में ऐसे विचार संस्कार आ गए कि पशुओं की हत्या करने की। फिर बाद में महाराज रणजीत सिंह ने दोनों को छोड़ दिया। ये सत्य घटना है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये जो जन्म देने वाली माँ थी, जन्म देते समय केवल उसने एक कसाई को देखा, मन में ऐसे विचार आए और उसके पुत्र के मन में ऐसे आगे चल के गायों की सींग काटने के विचार आ गए। तो हमारा जन्म जब हुआ और हम जब माँ के गर्भ में थे, न जाने हमारे माँ ने किस तरह के अनुभव लिए होंगे दुनिया में, सड़कों पे जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, कितने विचार मन में आए होंगे, कितने घर में झगड़े भी हुए होंगे। घर में झगड़े होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो घर में भी कितने झगड़े हुए होंगे, ये सब हमने सुने होंगे माँ के गर्भ में होते हुए। तो किस तरह के संस्कार आए होंगे हमारे अंदर, फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ तो है। परंतु विचार कीजिए, जिनके भक्ति के संस्कार रहे नहीं, केवल नकारात्मक संस्कार जिनको मिल रहे हैं, उनकी चेतना कैसी होगी आगे चल के, क्या दशा होगी उनकी? तो ये एक घटना की बात है। बार बार जब बच्चे को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं प्रति क्षण प्रतिदिन, तो फिर आगे चल के बच्चा कैसे होगा, उसका स्वभाव कैसे होगा, और आगे चल के वो क्या बनेगा, और समाज में वो क्या करेगा, कैसे प्रभाव होगा उसका? आगे चल के तो कोई अच्छा नहीं कर पाएगा काम समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए। तो ये रही हमारा हमारी अवस्था जब हम हमारे माँ के गर्भ में हैं। परंतु इसके पहले पूर्व जन्म की बात भी है। पूर्व जन्म में हम क्या थे, हमें कैसे संस्कार मिले थे, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? इसलिए देखिए, यदि हमें अच्छे बच्चे चाहिए जिनके अच्छे संस्कार हो, जिनका आगे चल के चरित्र अच्छा हो, तो फिर हमें बहुत सावधानी से हमारे बच्चों को अच्छे प्रशिक्षण देने चाहिए। ठीक है, अभी आपके बच्चों का जन्म तो हो गया, बच्चे जब आपके गर्भ में थे वो समय बीत गया, और आज तक जो भी संस्कार दिए सो दिए, थोड़े अच्छे, थोड़े उतने अच्छे नहीं, जो भी है। परंतु अब से आप बहुत ध्यान से इस विषय के बारे में सोचिए, और आप जितने भी व्यक्तियों को जानते हैं आप उनको भी ये उपदेश दीजिए कि यदि आप आपके बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, आपके बच्चों के बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, तो फिर आपको इन संस्कारों के ऊपर बहुत महत्व देना चाहिए। इसीलिए ऐसी ये शिशु वाटिका जैसे हम संस्था कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे नर्सरी स्कूल हैं जिसमें बच्चों को बहुत कुछ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, खेल होते हैं, भाग दौड़ करते हैं बच्चे, बहुत कुछ होता है। परंतु ऐसे कितने ऐसे शिशु वाटिकाएं हैं, नर्सरी स्कूल आदि हैं, जिनमें बच्चों को भक्ति के संस्कार दिए जाते हैं, आध्यात्मिक संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे चरित्र के बारे में संस्कार दिए जाते हैं। बहुत विशेष है ये बाल गोपाल शिशु वाटिका। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सब के अंदर इतने अच्छे संस्कार थे कि आपने आपके बच्चों को ऐसे शिशु वाटिका में भर्ती कर दिया। ध्यान रखिए, केवल भौतिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में हमारे बच्चों को भेजना है, आप ये सोचेंगे कि हमें हमारे बच्चों को बहुत अच्छे शिक्षण, अच्छा शिक्षण मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। भौतिक दृष्टि से भले वो अच्छे डिग्रियां प्राप्त कर भी लें, लेकिन संस्कार विहीन श्रद्धाहीन बच्चा बाहर निकलेगा स्कूल और कॉलेज से, अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। श्रद्धा जो भी है उसके अंदर वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है ये एक आध्यात्मिक कत्ल खाने के समान है, जिसमें बच्चों के आध्यात्मिक संस्कार, बच्चों के अंदर जो आध्यात्मिक श्रद्धा है वो नष्ट हो जाती है।
तो कृपया आप इस बाल गोपाल शिशु वाटिका को और सुदृढ़ बनाइए, मदद कीजिए। आप सब मिलजुल के इसका महत्व समझ के इसको और अच्छा बनाइए। जो यहाँ सेवा कर रहे हैं उन भक्तों की सहायता कीजिए। और इस तरह से ऐसे बहुत अच्छे बच्चों को आगे बाहर निकलने में मदद कीजिए। सदा योगी प्रभु ने यहाँ इतना महत्वपूर्ण समझा है कि यहाँ इस शिशु वाटिका को स्थापित करना चाहिए, इसमें धन आदि भी देना चाहिए, इसलिए इसको इतना एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है धारवाड़ के हमारे कार्यों में। और फिर हमारी मीनाक्षी माता जी हैं और राम रेड्डी प्रभु हैं, वो भी इतना यहाँ सेवा कर रहे हैं उनके बच्चों के साथ में भी, और अन्य आप में से बहुत सारे भक्त भी जुड़े हुए हैं। सो आप सबको हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। आप इस कार्य को आगे बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि केवल 10-15-20 बच्चे हैं, इससे समाज का परिवर्तन कैसे होगा। देखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। जगह जगह ऐसे अनुष्ठान हो जाएं, ऐसे कार्य हो जाएं, तो सब जगह समाज धीरे धीरे से समाज का परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।